यू हैव ऑलरेडी हैव वोटर आई डी कार्ड, क्या आपके पास पहले से वोटर आई डी कार्ड अगर है फ्रेंड तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। नो करने के बाद फिर यहाँ से आपको अपना नाम वगैरह आधार कार्ड, यहाँ से देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया गया इशू आप रिप्लेसमेंट ईपीसीआई विदाउट करेक्शन, यानी फ्रेंड किसी कारणवश आप यहाँ से रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं विदाउट किसी करेक्शन। देख सकते हैं फिर से बोला जा रहा है रीजन अप्लाई करने का एपिक कार्ड का क्या है, डिस्ट्रॉय हो गया है या फिर यहाँ से देख सकते हैं मोटिलेट हो गया है या फिर लॉस्ट हो गया था। यहाँ से लास्ट पे क्लिक करते हैं, फिर बोला वोटर कार्ड का एक नया पीवीसी कार्ड फिर से आ गया फ्रेंड, उसमें भी कई सारे अपडेट्स हैं आप इस तरह से देख सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था फ्रेंड अगर घर बैठे न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड अगर आप वोटर आईडी कार्ड का लेटेस्ट वाला पीवीसी कार्ड मंगाना चाहते हैं घर बैठे तो उसे आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है फ्रेंड उसके आपके एड्रेस तक आने में और क्या आपको सॉलिड रीजन देना चाहिए ताकि उसे ना तो बीएलओ के द्वारा या फिर उसके ऊपर के लेवल के अधिकारियों के द्वारा रिजेक्ट ना किया जा सके। इसके लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, इस वीडियो में हम जानेंगे घर बैठे ही कैसे आप पीवीसी कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 2023 में फ्रेंड अगर आप नया पीवीसी कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं वोटर आईडी कार्ड और नया वाला कार्ड मंगाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप या मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करना, voterportal.eci.gov.in इसकी ऑफिशियल साइट में आ जाना है जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अगर इसमें आपने आईडी क्रिएट किया हुआ आप यहां से आके लॉग इन करेंगे, अगर फ्रेंड आपने आईडी क्रिएट नहीं किया हुआ है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें आप आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहां से आएंगे तो आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं, यहीं से देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलता है करेक्शन इन वोटर आईडी कार्ड का, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब जैसे फ्रेंड आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा जहां से आपका नाम दिखाई देगा, यानी से एक ऑप्शन मिलता है लेट्स स्टार्ट का, आपको सिंपली क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा जहां से दो ऑप्शन दिया जाएगा, बोला जाए डू यू हैव ऑलरेडी हैव वोटर आईडी कार्ड, क्या आपके पास पहले से वोटर आईडी कार्ड अगर है फ्रेंड तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। नो करने के बाद फिर यहां से आपको अपना नाम वगैरह फिल करना रहता है, फिर आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। मेरे केस में है तो मैं यस पे क्लिक करता हूं। अब जैसे यस पे क्लिक करेंगे अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल के फेच डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड जैसे फेच डिटेल पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपका डाटा यहाँ से कलेक्ट कर लेगा, फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना, आपकी सारी डिटेल आ जाएगी जहाँ से आपका नाम, आपके माता पिता जिनका भी नाम रहेगा, आपके यहाँ से देख सकते हैं वोटर आईडी कार्ड का नंबर शो करेगा, आपकी लिंक क्या किस राज्य से है, किस विधानसभा से है, फिर इन असेंबली क्या है, भाग क्रमांक क्या है और यहाँ से भाग का नाम क्या है, मतदान क्रमांक, हर एक चीज मिल जाएगी आपको। सिंपली नीचे एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं बोला जा रहा है रीजन ऑफ अप्लाइंग फॉर करेक्शन, यानी करेक्शन के लिए आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं उसका क्या कारण है। तो यहाँ से देख सकते हैं शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर कोई अदर कारण है, यहाँ से देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया गया इशू ऑफ रिप्लेसमेंट ईपीसीआई विदाउट करेक्शन, यानी फ्रेंड किसी कारणवश आप यहाँ से रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं विदाउट किसी करेक्शन को, आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड जैसे आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको वेट करना है, आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा जहां से देख सकते हैं आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ से मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके नंबर में ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ से फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने ओटीपी फिल कर दिया, इसके बाद हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, हमारा नंबर यहाँ से सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं फिर से बोला जा रहा है रीजन अप्लाई करने का एपिक कार्ड का क्या है, डिस्ट्रॉय हो गया है या फिर यहाँ से देख सकते हैं मोटिलेट हो गया है या फिर लॉस्ट हो गया था। हम यहाँ से लास्ट पे क्लिक करते हैं, फिर बोला जा रहा है क्या आपके पास आधार कार्ड है, यहाँ से देख सकते हैं बोल देंगे आई हैव आधार कार्ड, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। यहीं से देख सकते हैं ये, फिर बोला जाएगा आपके पास क्या एफआईआर है, यहाँ से आपको इसको नो कर देना है। यहाँ से रीजन बोला जाएगा क्या रीजन है, आप यहाँ से लॉस डाल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो यहाँ से अपना आधार कार्ड नंबर डाल के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड आपके सामने फाइनल पेज ओपन होकर इस प्रकार आ जाएगा जहां से पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। यहां से देख सकते हैं अगर कुछ आप करेक्शन करना चाहते हैं फॉर्म में तो इसे एक ऑप्शन मिलता है एडिट फॉर्म का, आप एडिट फॉर्म पे क्लिक करके यहां से करेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर करेक्शन नहीं सबमिट करना चाहता हूं, आपको जैसे सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर यहां से आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा जहां से देख सकते हैं बोला जा रहा है कंग्रेचुलेशन योर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। यहीं से आपको एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर दिया जाता है, आपको इस रेफरल नंबर को कॉपी कर लेना है। रेफरल नंबर को कॉपी करने के बाद आप फ्रेंड इसे अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिंपली होम पे क्लिक करना है। अब फ्रेंड जैसे आप यहाँ से होम पे क्लिक करेंगे तो यहीं से ट्रैक स्टेटस के एक ऑप्शन मिलता है, आपको इस पे क्लिक करना है या तो आप यहाँ से एप्लीकेशन नंबर डाल के ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ से अपना यहाँ से ट्रैकिंग नंबर डालेंगे, ट्रैक योर स्टेटस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से स्टेट को भी सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड जैसे आप यहाँ से ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं आपके स्टेटस को ट्रैक किया जा रहा है, जहाँ सबसे पहले सबमिट होगा, इसके बाद बीएलओ अपॉइंटमेंट करेगा, फिर फील्ड में वेरीफाई होगा, फिर एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट जो भी होगा यहाँ से एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड आप यहाँ से देख सकते हैं आप अपने पीवीसी वोटर आईडी कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर।
अब इसके बाद फिर हम बात कर लेते फ्रेंड, अगर अभी तक आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएंगे फ्रेंड, तो आपको देख सकते हैं वोटर पोर्टल पे आएंगे तो आपको क्रिएट एन अकाउंट का एक ऑप्शन मिलता है, जहाँ से फ्रेंड देख सकते हैं आप दो चीजें फिल कर सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल के अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका है, मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद नंबर में ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी डालने के बाद अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये फ्रेंड कंप्लीट प्रोसेस कैसे आप पीवीसी वोटर आईडी कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं 2023 में, मैंने इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखाया हुआ। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी पसंद होगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर करें, फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो डिसलाइक करें, साथ में रीजन जरूर दें ताकि हम उसमें आगे सुधार कर सकें। और फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो जाके फॉलो करें, मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिएगा, मैं आपके लिए जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं उसको आपको पहुंचेगा, टॉपिक समझ जल्दी लूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।